एसिमिलेट 2019 की साइंस फिक्शन थ्रिलर हॉरर मूवी है। दो टीनेज लड़के अपने शहर के बारे में ब्लॉग बना रहे थे। एक दिन उनके टाउन में कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं और लोग भी कुछ अजीब बदले हुए नज़र आते हैं, तो वो इन सब बातों का रीज़न ढूंढने लगते हैं। पर जब तक उन्हें सच्चाई पता चलती है तब तक बहुत देर हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर लीजिए। फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की से जो अपने घर पर अकेली थी। वो अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश कर रही थी पर उसकी माँ फ़ोन नहीं उठाती, तो वो उसके लिए कॉल बैक का मैसेज छोड़ती है। उस लड़की के बाह पर किसी के काटने के निशान थे। वो जब फ़ोन रखती है तो उसका ध्यान उसके घर के बाहर जाता है। कोई उसके घर की तरफ भागते हुए आ रहा था। वो तुरंत दरवाज़ा लॉक करती है तो वो बाहर की लड़की बैकडोर से अंदर घुसने की कोशिश करती है, पर वो भी दरवाज़ा लॉक करती है। आवाज़ से वो लड़की ज़ॉम्बी लग रही थी। वो लड़की उस दरवाजे की कांच तोड़कर अंदर आती है और उस लड़की पर हमला करती है। ये सीन यही कट होता है। अगले सीन में हमें दो लड़के दिखते हैं। उन लड़कों का नाम था रैंडी फॉस्टर और जैक हैंडरसन। रैंडी और जैक अपने पोडंग मिसूरी नामक टाउन और वहाँ के लोगों के बारे में वीडियो बनाते थे। एक दिन उनके ऐसे ही वीडियो बनाते वक्त उन्हें मिसिस बिसेट मिलती है, जो उन्हें एक एप्पल दिखाती है जिस पर बहुत से छोटे छोटे कीड़े थे। वो उन्हें बताती है कि लगभग एक हफ्तों से ऐसे कीड़े उसके घर के पास दिख रहे हैं, पर रैंडी और जैक उनके बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। दूसरे सीन में हम देखते हैं रैंडी और जैक के साथ एक केल नाम की लड़की को और हवा में उड़ते हुए एक वायरस को। केल और जैक की बातों से ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। रैंडी जैक को कहता है कि तुम्हें उसे ये बात बतानी चाहिए कि तुम उसे पसंद करते हो। रात को केल और जैक कंप्यूटर के जरिए एक दूसरे से बातें करते हैं। तब केल उसे बताती है कि वो अपने ग्रेजुएशन के बाद दो हफ्तों के लिए पेरू जाएगी और वो भी उन छोटे कीड़ों का जिक्र जैक से करती है। दूसरी रात जब जैक और रैंडी बाहर टहलते हैं तब उन्हें मिसिस बिसेट की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो भागकर उनके घर जाते हैं। तब उन्हें उनके घर पर खून के निशान नजर आते हैं और ऊपर के कमरे से कुछ आवाज़ें भी आती हैं। वो वहाँ ऊपर जाते हैं। उस कमरे के कबर्ड में उन्हें मिसेस बिसेट छुपी हुई मिलती है। वो बहुत डरी थी और रो रही थी। वो उन दोनों से कहती है कि किसी ने मुझे काटा। तब उन दोनों को चूहे जैसा एक जानवर खिड़की से बाहर जाते हुए दिखता है। वो असल में क्या है और कहां से आया है ये जानने के लिए वो उसका पीछा करते हैं। तब उन्हें दिखता है कि वो एक जानवर पिंजरे में जाके बैठता है और एक आदमी उस पिंजरे को लेके वहां से निकल जाता है। वो इंसान था पास्टर ग्रिग। वो उस टाउन के चर्च का फादर था। वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। दूसरे दिन वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो वीडियो पुलिस ऑफिसर जॉश को दिखाते हैं और कहते हैं पास्टर ग्रिग लोगों के घर में चूहे छोड़ रहा है। पर पुलिस उनके बातों पर विश्वास नहीं करता और कहता है पास्टर ग्रिग पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो, वो एक अच्छा इंसान है। तब दोनों फैसला करते हैं कि खुद पास्टर ग्रिग के पास जाकर इस बात की सच्चाई का पता लगाएंगे। वो एक चर्च जाते हैं जहाँ बेसमेंट में उन्हें पास्टर ग्रिग मिलता है। वो उसे वीडियो दिखाते हैं और उसका ऐसा करने का मकसद पूछते हैं, पर वो इस बात से मुकर जाता है। वो उन दोनों से कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहाँ उस कमरे में ग्रेग के साथ और 5-6 लोग थे जो उन दोनों को घूर रहे थे, तो वो दोनों वहाँ से जाना ही सही समझते हैं। रैंडी जैक को कहता है कि हमें ये वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड करना चाहिए। रात को दोनों मिसिस ब्रिसेट के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि आपके साथ जो हुआ इस सब के पीछे हमें ग्रेग का हाथ लगता है। क्या पिछले दिनों वो आपके घर के आसपास दिखा था? तब वहाँ उन्हें मिसिस बिसेट की हरकतें अजीब लगती हैं। उसके पैरों पर वो काटने का निशान भी नहीं था। उन्हें उसके बेडरूम से कुछ आवाज़ें आती हैं। तब वो घर के बाहर से मिसिस बिसेट के बेडरूम में झाँकते हैं। तब वहाँ उन्हें एक आदमी बेड से बंधा हुआ दिखता है, पर उन्हें कोई देख लेता है तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों जैक के माँ बाप को सारी हकीकत बताकर वीडियो दिखाते हैं, पर वो दोनों भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं कि ऐसे किसी के बेडरूम में झांकना सही बात नहीं। उन्हें लगता है कि सारे लोग ऐसे अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं, कोई हमारी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा। उस बंधे हुए लड़के का फुटेज वो गौर से देखते हैं। उसके हाथों के टैटू से वो उसे पहचान लेते हैं। उस लड़के का नाम था डैलन, पर उन्हें जो खिड़की में से देखता है वो लड़का भी डैलन था, यानी जो बंधा हुआ था और जो उन्हें खिड़की में दिखता है वो दोनों डैलन थे। तो वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि दो दो डैलन कैसे हो सकते हैं।
तब वह उनके पास क्या लाती है और वो उन्हें बताती है कि कुछ दिनों से मेरे डैड बदल चुके हैं, उनके अंदर कुछ फीलिंग नहीं रही, उनकी आवाज़ और फेस वैसे ही है पर वो इंसान अंदर से कोई और है और मेरे डैड होने की एक्टिंग कर रहा है। तब रैंडी और जैक भी उसे यही कहते हैं कि हमें भी टाउन के कुछ लोगों की हरकतें अजीब लग रही हैं। कैल की माँ भी सुबह से गायब थी तो वो उन दोनों से कहती है कि हम पुलिस में जाके यह सब बताते हैं। तो वो दोनों कहते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम पहले जा चुके हैं, पुलिस हमारी बातों पर यकीन नहीं कर रही। उन्हें लगता है कि हम ये सब हमारी चैनल के पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। तब कैल उनसे कहती है कि तुम मेरे साथ माँ को ढूंढने चलो और कैमरा भी साथ ले लो, अगर उसमें कुछ अजीब रिकॉर्ड होगा तो हम सबको दिखाएंगे, तब शायद पुलिस हमारे बातों पर यकीन करे। रास्ते में उन्हें बहुत से लोग अपने घर के आंगन में कुछ ना कुछ जलाते हुए दिखते हैं और वो लोग उन्हें घूरते भी रहते हैं। वो ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद वो सब कैल के घर जाते हैं जहाँ पर उन्हें उसके डैड दिखते हैं। इसके बाद जैक बाथरूम जाने का बहाना कर ऊपर के कमरों में कैल के माँ को ढूंढने जाता है। तब जैक को स्टोरेज रूम में कोई भागते हुए दिखता है, वो वहाँ जाता है। तब उसे वहाँ कैल का छोटा भाई जोई मिलता है। वो जैक से कहता है कि मैं यहाँ माँ को ढूंढने आया था, डैड मुझे डरावने लग रहे हैं। जैक को नीचे फर्श पर काले धब्बे भी दिखते हैं जो उसके हाथों पर लग जाते हैं। जैक को नीचे आने में भी बहुत देर होती है तो कैल के डैड उसे ढूंढने ऊपर जाते हैं। जैक जोई को कमरे में जाके छुपने को कहता है और वो खुद जल्दी से नीचे बाथरूम में जाता है। वो बाथरूम में अपने हाथ साफ करता है और वो नैपकिन छुपाने की कोशिश करता है। तब उसे कैल के माँ की बॉडी एक छोटे से बक्से में मिलती है। वो बॉडी मानो किसी ने फोल्ड करके रखी हो ऐसी दिखती है। वो बॉडी देख के जैक काफ़ी डर जाता है और जल्द से जल्द उन दोनों को लेके घर से बाहर आता है। घर से बाहर आने के बाद जैक ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वो वीडियो कैल देखती है। अपनी माँ को मरी हुई देख कैल रोने लगती है। वो दूसरे दिन सुबह पुलिस ऑफिसर जॉश को बुलाते हैं और उसे सारी हकीकत बताकर वीडियो दिखाते हैं। वो पहले तो उनसे पूछता है कि ये सब असली है ना, फिर कैल के घर जाके तलाशी लेता है पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ अचानक कैल की माँ आती है। कैल उसे देखकर खुश होती है और उसके गले मिलती है, पर कैल समझ जाती है कि वो औरत उसकी माँ नहीं है। कैल की माँ पुलिस से कहती है हमारी बेटी कुछ दिनों से पागलों की तरह हरकतें कर रही है, वो बीमार है, आपको तकलीफ़ देने के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। उनके घर ग्रेग भी मौजूद था जो उस पुलिस को कहता है उनका वो वीडियो झूठा है और मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप उन लड़कों की बातों पर यकीन करके लोगों को तकलीफ़ देंगे। ऑफिसर जॉश उनसे माफ़ी मांगता है और वहाँ से जाने लगता है और रैंडी और जैक को भी अपने साथ चलने को कहता है। कैल का छोटा भाई जोई रोने लगता है और कहता है कि मुझे कैल के साथ जाना है, पर उसके माँ बाप उसे रोक लेते हैं। ऑफिसर जॉश फिर से उनके ऊपर गुस्सा होता है क्योंकि उसे लगता है कि उन्होंने फिर से उसके साथ मजाक किया है। कैल जोई को अपने साथ लाना चाहती थी जो घर के अंदर उन लोगों के बीच फंस चुका था। जैक कहता है कि ये फुटेज हम अपलोड करेंगे और बाहर के लोगों से मदद मांगेंगे, तभी हम जोई को बचा पाएंगे क्योंकि टाउन की पुलिस हमारे बातों पर यकीन नहीं कर रही। वो सब जैक के घर जाते हैं। उन्हें गैराज में से कुछ आवाज़ें आती हैं। तब जैक और रैंडी अंदर जाते हैं और कैल उसकी माँ को ढूंढने घर के अंदर जाती है। जैक को अपने पिता दिखते हैं। वो उनसे पूछता है कि उसकी माँ कहाँ है, पर उसके पिता उसे घूरते ही रहते हैं। उसके पिता के दोनों पैर नहीं थे तो वो इंसान अपने पैरों पर उठकर खड़े होता है। तो जैक और रैंडी समझ जाते हैं कि उसके पिता भी बदल चुके हैं, ये उसके पिता नहीं बल्कि कोई और है। तभी वहाँ मिसेस बिसेट, ग्रेग और कुछ लोग आते हैं। ग्रेग ने अपने साथ वो पिंजरा लाया था जो शुरुआत में रैंडी और जैक को दिखा था। वो वहाँ पिंजरा खोलते हैं और उस गैरेज का दरवाजा बंद करते हैं। वो कीड़े उस पिंजरे से बाहर आकर अंधेरे में इधर उधर भागने लगते हैं। उनमें से एक कीड़ा रैंडी के पैरों पर काटता है। वही अंधेरे में उन्हें जैक की माँ जैसी एक औरत दिखती है जो अंधेरे से बाहर आकर उन दोनों पर हमला करती है। वो औरत जैक की असली माँ को मार डालती है। जैक की माँ वही अंधेरे में पड़ी थी। वो औरत जो नकली थी वो उसकी माँ को मार डालती है। इस बात पर गुस्सा होकर जैक उस औरत को भी मार डालता है। कैल उस गैराज का पिछला दरवाजा खोलती है और वो सब वहाँ से दूर भाग जाते हैं। तब तक वहाँ ग्रेग और सारे लोग वापस लौट आते हैं। वो तीनों रात को जॉश के घर जाते हैं पर उन्हें जॉश असली है या नकली समझ नहीं आता।
तब जॉश उन्हें उसके ही जैसा दिखने वाला एक आदमी दिखाता है जिसको उसने मारा था। वो उन्हें बताता है कि ये मुझ पर हमला करने आया था। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया, पर अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम सच कह रहे थे। हम ये सारी फुटेज लेके FBI को दिखाएंगे और इस बात का पता लगाएंगे कि ये कौन और किस मकसद से कर रहा है। यहाँ पर ये सब लोग बातें करते हैं कि ये कीड़ा सबको पहले काटता है और उनका DNA ले लेता है, फिर एक क्लोन मिस्टीरियसली पैदा होता है जो उन लोगों को मारता है और उनकी मेमोरी ले लेता है, और वो मेमोरीज ओरिजिनल नहीं होती और उन लोगों में कोई फीलिंग्स नहीं होती, तो लोग उन्हें पहचान लेते हैं कि वो नकली है। वो जब उस घर से निकलने लगते हैं तभी जंगल में से कोई भागते हुए उनकी तरफ आता है। वो लड़का जो भागकर उनकी तरफ बढ़ रहा था वो रैंडी का क्लोन था। वो क्लोन रैंडी के लिए वहाँ आया था। जैक रैंडी को कहीं छुपने के लिए कहता है, लेकिन धीरे धीरे जॉश के घर के बाहर सारे क्लोन उन्हें घेर लेते हैं। वो सारे क्लोन मिलकर उस घर को गिरा देते हैं और जॉश को उस घर से बाहर खींचकर उसे मार डालते हैं। अब सिर्फ रैंडी, कैल और जैक ये तीनों ही बचे थे। तब रैंडी का क्लोन घर में घुसने की कोशिश करता है, तो वो जैक और कैल को बचाने के लिए घर से बाहर भाग जाता है ताकि वो सारे क्लोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और जैक और कैल को वहाँ से भागने का मौका मिल सके। ये बहुत सैड मोमेंट था जैक के लिए कि उसके दोस्त ने उसे बचाने के लिए अपने आप को मौत के हवाले किया। जैक और कैल वहाँ से भागकर जोई को बचाकर उस टाउन से भागने का फैसला करते हैं। उस टाउन के सारे रास्ते सुनसान पड़े थे। उन्हें वीडियो अपलोड करना था पर उनका मोबाइल नो सर्विस था। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक जगह बहुत सारे क्लोन दिखते हैं, तो कैल और जैक उन्हें छुपकर देखने लगते हैं कि आखिर इतने सारे क्लोन यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर दो क्लोन उन्हें देख लेते हैं, तो वो दोनों भी चुपचाप बाहर निकलकर उनके बीच उनके जैसे चलने लगते हैं ताकि कोई उनके ऊपर शक ना करे। वहाँ पर उनको नज़र आता है कि ये सारे क्लोन अपने जैसे असली इंसान को जो मर चुके थे उन्हें जला रहे हैं। दोनों एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर कैल काम करती थी। कैल जैक से शॉप के अंदर से गाड़ी की चाबियां लाने को कहती है और खुद बाहर खड़ी होकर पहरा देती है। लेकिन तभी कैल को किसी के चिल्लाने और रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो वहाँ जाती है तब उसे उसका छोटा भाई जोई दिखता है जो किसी और क्लोन के साथ खड़ा हुआ था। वहाँ पर बहुत से छोटे बच्चे थे जिनको उस कीड़े से बाइट करवाया जा रहा था। एक दूसरे को देख कर जोई और कैल की आँखों में आंसू आते हैं। कैल को यकीन होता है कि ये उसका भाई है, कोई क्लोन नहीं। पर वही खड़ी हुई क्लोन कैल को देख लेती है और उसे देखकर अजीब तरीके से स्क्रीम करती है, जिससे दूसरे क्लोन को पता चले कि उनके बीच कोई इंसान आया है। वो सब जोई को छोड़कर कैल को पकड़ लेते हैं। कैल जोई को कहती है कि जंगल वाले केबिन में जाके छुपो, मैं तुमसे वहाँ थोड़ी देर बाद मिलूंगी। वो क्लोन जोई के ऊपर वही कीड़ा छोड़ते हैं उसे बाइट करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ जैक आ जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, कीड़े ने कैल को काट लिया था। वो वहाँ से भाग जाते हैं। उनकी गाड़ी में छोटे छोटे कीड़े आते हैं। ये वही कीड़े थे जिनका जिक्र मिसिस बिसेट ने जैक और रैंडी से किया था। ये छोटे कीड़े मिलकर एक बड़ा कीड़ा बनता था। वही कीड़ा जैक को काटता है। वहीं पर थोड़ी देर बाद क्लोन आते हैं, तो वो अपनी गाड़ी वही छोड़कर जंगल के रास्ते से सर्वर रूम में पहुँचने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे अपने आप को बचाकर वो सर्वर रूम के पास पहुँचते हैं, तो उन्हें सर्वर रूम के बाहर भी बहुत से क्लोन दिखते हैं। वो जब सर्वर रूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ उन दोनों के क्लोन भागते हुए उनकी तरफ आते हैं उन्हें मारने के लिए। वो दोनों क्लोन कैल और जैक के थे जो उन्हें मारकर उनकी जगह लेना चाहते थे। वो दोनों अपनी जान बचाकर सर्वर रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर एक कंप्यूटर था। उस कंप्यूटर के ज़रिए वो सारे वीडियो अपलोड करते हैं, पर उनके क्लोन्स भी उनका पीछा करते हुए वहाँ आते हैं। उस रूम में जैक को CO2 का गैस सिलेंडर दिखता है, तो वो गैस सिलेंडर ऑन करके पीछे एक जगह छुपता है और कंप्यूटर पे वीडियो ऑन करता है ताकि वो क्लोन उस रूम में जाए और उन्हें वहाँ से भागने का मौका मिले। उन क्लोन्स की वही उस रूम में दम घुटकर मौत हो जाती है। कैल और जैक उसी केबिन में जाते हैं जहाँ पर उन्हें जोई मिलता है, पर उनकी नज़र टीवी पर पड़ती है। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी, सब जगह यानी सारे देशों में ऐसे क्लोन फैल रहे थे। चाइना, पेरिस और इंडिया में भी ऐसे क्लोन बन चुके थे और वो क्लोन सारे असली लोगों को जला रहे थे। और वो न्यूज़ देखकर जैक कहता है, ये हमसे शुरू हुआ था या हम पर ख़त्म होगा। इसके बाद सीन जाता है उस कंप्यूटर पे जहाँ पे उन्होंने वो वीडियो अपलोड किया था।
उस वीडियो पर कुछ भी व्यूज़ नहीं थे और कुछ देर बाद जो व्यूज़ आते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर थे। और एक कमेंट आती है, यू आर स्टिल देयर। ये कमेंट किसी व्यूवर्स ने नहीं बल्कि किसी क्लोन ने की होगी, जो उनसे पूछता है कि तुम अभी भी ज़िंदा हो, यानी तुम अभी तक बचे हो। फिल्म यही ख़त्म हो जाती है। फिल्म में जो एक दो बार वायरस दिखाया गया था, उस वायरस के ज़रिए ये छोटे छोटे कीड़े फैले थे, वो मिलकर एक बड़ा कीड़ा बनता था जो लोगों को काटता था, और उसके बाद उन लोगों के मिस्टीरियस तरीके से क्लोन बन जाते। वो कीड़ा इन लोगों को काटकर इनका डीएनए लेता, और बाद में वो क्लोन इन लोगों की सारी मेमोरी छीन लेते, जिसके बाद इन लोगों की मौत हो जाती। इस तरह से ये क्लोन इंसानों की जगह ले लेते। जैक और रैंडी वीडियो अपलोड करके दूसरे लोगों को मदद मांगना चाहते थे, पर उन्हें पता नहीं था कि पहले से ही ये क्लोन दूसरे देशों में भी फैल चुके थे। पर जब पता चलता है तब बहुत देर हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।